हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेवरी मंच। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कुछ स्पेशल और टेस्टी सा मिठाई जिसका नाम है खाजा, जो फटाक से बनकर तैयार होता है। बहुत ही टेस्टी होता है ये। तो फिर चलिए देखते हैं इसमें लगने वाले इंग्रेडिएंट्स। तो उसके लिए मैंने लिया है 2 कटोरी मैदा, जो ग्राम में 500 ग्राम है, 500 ग्राम शक्कर लिया है मैंने, 4 छोटा चम्मच घी लिया है, खाने का सोडा लिया है, रेगुलर नमक लिया है मैंने और पानी लिया है। तो सबसे पहले मैं मैदा में घी ऐड कर रही हूँ, 2 चम्मच घी ऐड कर रही हूँ। आप अपने मैदा के हिसाब से घी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। 1.5 पिंच इसमें मैं डाल रही हूँ खाने का सोडा। और नमक भी उतना ही डाल रही हूँ मैं, 1.5 पिंच। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद मिक्स करने के बाद पानी डालकर थोड़ा थोड़ा इसको सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा कड़क डो नहीं रखना है और न ही ज़्यादा गीला करना है। मीडियम आटा गूंद कर तैयार कर ले। तो ये देखिए, आटा गूंद कर तैयार हो चुका है और इसको अभी 20 मिनट के लिए मैं ढककर छोड़ दूंगी। और अभी हम तैयार करेंगे चाशनी। तो चाशनी के लिए मैं मीडियम ग्लास से 1 ग्लास पानी रखी हूँ और ये 500 ग्राम शक्कर है। और अभी इसको मिलाते जाना है, जब तक ये एक तार की चाशनी तैयार ना हो तब तक मिलाना है। तो जब तक ये चाशनी तैयार होगा तब तक हम खाजा बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने 1 चम्मच घी लिया है, उसमें 1 चम्मच मैदा डालकर इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो ये देखिए, ये मिक्स हो चुका है और मेरा आटा भी अभी रेडी है, जिसे मैंने 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था ढककर, ताकि खाजा अच्छा तैयार हो। तो अभी सबसे पहले मैं थोड़ा सा मैदा लेकर छिड़क दूंगी और उसके बाद इस पे मैं एक बड़ा सा रोटी बेलकर तैयार करने वाली हूँ। तो चारों तरफ से अच्छे से बेलते जाना है, कहीं भी मोटा ना छोड़े और ना ही कहीं ज़्यादा पतला करे। एक जैसे आकार में पूरा अच्छे से बेल कर लेना है। ये जो है काफ़ी पतला बेलना होता है, ताकि जब हम लेयर बनाएं तो इसका लेयर अच्छे से तैयार हो। तो आप देख रहे हैं कि मैं कैसे बेल कर तैयार कर रही हूँ, तो आप अपने घर पे ऐसे ही तैयार करें। तो ये देखिए, तैयार हो चुका था और इस पे अभी मैं घी और मैदा जो मिक्स करके रखी थी वो लगा रही हूँ। अब घी में मैदा के जगह चावल का आटा भी हल्का सा मिक्स कर सकते हैं। मैं मैदा मिक्स कर रही हूँ और अभी इसको हल्के हल्के हाथ से रोल करते जाना है। रोल जो है, ये जो मिठाई का रोल है उसमें कम से कम 4 से 5 लेयर आना चाहिए, तो उतना रोल करें। अभी ये रोल देखिए तैयार हो चुका है, तो अभी हम इसको कट करेंगे। तो 1 से 1.5 इंच के आकार में, जितना भी बड़ा आपको खाजा का आकार चाहिए उस हिसाब से आप कट कर ले। 1 से 1.5 इंच के आकार में मैं काट रही हूँ इसको, तो ऐसे ही कट करते जाना है। तो आप देख रहे हैं कि ये कट करके हो चुका है, तो अभी हम इसका खाजा तैयार करने वाले हैं। तो मैं थोड़ा सा मैदा छिड़की हूँ और इस पर हल्का सा हाथ से प्रेस करें, थोड़ा सा क्रॉस में प्रेस करें और एकदम हल्के हाथ से बेलन चलाएं इसके ऊपर, ताकि इसका लेयर्स भी दिखे और अच्छे से ये बन जाए। तो आप देख रहे हैं कि इसका लेयर्स भी दिख रहा है और अभी मेरा चाशनी भी लगभग तैयार हो चुका है, जो मैंने रखा था बनाने के लिए। तो ये देखिए, एक तार की चाशनी तैयार है। तो अभी हम खाजा तलने की तैयारी करेंगे। तो मैंने गैस बंद कर दिया है और कढ़ाई गरम कर लिया है और इसमें मैं तेल ऐड कर रही हूँ। मैं जो तेल यूज़ कर रही हूँ वो सनफ्लावर ऑयल है। आप जो भी तेल यूज़ करते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। और इसको मैंने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया है तेल को। अभी इसमें मैंने पूरा खाजा डाल दिया है, 4 खाजा डाला है इसमें, और इसको अभी मीडियम टू लो फ्लेम पे तलते जाना है। जैसे हम बालूशाही को तलते हैं वैसे ही हमें खाजा को भी तलना होता है। और तेल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए।
तो ये देखिए सुनहरा होने तक तली हूँ मैं, और इसमें देख रहे हैं कि इसके लेयर्स अच्छे से दिख रहे हैं इसमें। तो अच्छे से पूरा तेल इसका छान ले, थोड़ा भी तेल ना रहने दे खाजा में, अच्छे से छान कर और फिर इसको चाशनी में डाल दे और एक दो मिनट तक उसको अच्छे से पलटें खाजा को, ताकि उसके अंदर अच्छे से चाशनी घुल जाए और उसका टेस्ट अच्छा आए। तो ये देखिए चाशनी अच्छे से घुल गया है और खाजा का लेयर भी अच्छा आया है। तो ऐसे ही करके आप अपने घर पे खाजा तैयार करें, ये बहुत ही बनाना आसान होता है। तो आप ज़रूर ट्राई करें ये खाजा बनाना, और आप देख रहे कि बन के तैयार हो चुका है खाजा। तो आप इसे गर्म गर्म खाएं या ठंडा खाएं। तो ऐसे ही करके खाजा तलते जाना है। तो ये देखिए मैंने पूरा खाजा तल कर तैयार कर लिया है। तो अगर आपको ये खाजा का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जाए। मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।